हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 8, मैथ क्लास 8 हिंदी मीडियम। इसकी बाकी वर्कशीट देखनी है तो आप जो क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बच्चों, आपको सारी वर्कशीट जो है 1 से लेकर 7 तक की मिल जाएंगी, ठीक है। और दूसरे सब्जेक्ट की वर्कशीट भी जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो परिमेय संख्याओं की भाग देखिये, परिमेय संख्याओं की हमने जमा घटा गुणा ये किया था ना सवाल। परिमेय संख्या होती क्या है बेटा, जिसे हम पी बटा क्यू में ले सकते हैं, जिसमें कि हर यानी कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए बस क्यू, ठीक है। पी चलेगा, जीरो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और पी और क्यू तो आपको पता ही है क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, माइनस प्लस की गिनती तो होती है ना, सिंपल सी भाषा माइनस प्लस की गिनती। परिमेय संख्याओं की भाग के बारे में आज हम बात करते हैं। तो पूर्णांक की तरह ही परिमेय संख्याओं की भाग भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सीधे आते हैं उदाहरण पे देखते हैं कि प्रीति ने 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा। 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा, ठीक है। तो उसने प्रत्येक बच्चे को आधा गन्ना दिया, तो कुल कितने गन्ने थे और कुल कितने बच्चे थे, ठीक है, मतलब कुल बच्चों में कितना गन्ना बट गया, कितने बच्चों में गन्ना बटा। तो ये बताइए कि कुल गन्ने थे कितने, गन्ने थे 9/2 और हर बच्चे को आधा गन्ना दिया गया 1/2, हमें बच्चों की संख्या निकालनी है ना बेटा। 9/2 का मतलब क्या है, चलिए एक गन्ना ले लेते हैं, उसके आधा हिस्सा कर देते हैं, तो ये हो गया 2 हिस्से हो गए, 2 ये हो गए 4 हो गए, 6, 8 और एक ये 9, 9/2 तो यही हुआ ना, 9/2। अब यानी इन गन्नों को हम आधा आधा कर देते हैं। आधा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आधा आधा गन्ना ही तो देना है, ठीक है, आधा आधा गन्ना देना है, ठीक है। तो कुल कितने बच्चे हुए बताइए, ये आधा गन्ना एक बच्चे को, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, तो कुल कितने बच्चे हुए, 9 बच्चे। यानी 9/2 गन्ने जो है, 9/2 गन्ने का मतलब ये होता है 4 गन्ने पूरे और आधा एक गन्ना आधा, है ना, इनको बांटा गया 4 गन्ने पूरे, यानी उन गन्नों को हम आधा 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 करेंगे, क्योंकि वो हर बच्चे को आधा गन्ना दे रही है। तो 9/2 को हम भाग करेंगे 1/2 से, तो 9 आएगा। अब ये आया कैसे बेटा, देखो यहाँ पे 9/2 हमने लिखा, यहाँ पे भाग में क्या है 1/2, तो भाग को सिंपल सी बात है गुणा में बदलना है, किसे बदलना है बेटा, गुणा में। तो जैसे हम भाग का चिन्ह गुणा में करते हैं, तो जो इसके आगे भाग के आगे जो सवाल जो भी रकम है आपके सामने, ये उल्टा हो जाएगा सीधे, 1/2 है तो 2/1 सीधा। अब देखिए नीचे क्या हुआ, 2/1, ऊपर क्या था 1/2, तो भाग को हमने गुणा में बदला, तो भाग के आगे का जो रकम है ठीक आगे वाला वो उल्टा हो गया, बस अब इसे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा क्या 9/1 यानी कि 9, तो 9 बच्चों में गन्ने बांटे गए। ये तरीका है सवाल को करने का और ये तरीका था चित्र के द्वारा समझने का। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। नासिर ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया, कितना 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया, तो प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर चारा खिलाया मान के चल रहे, तो एक बकरी ने कितना चारा खाया, तो बताइए कितनी बकरियां थी, 7 थी, तो हर किसी को 7/3 चारा खिला रहा है, तो यानी हम एक ये गोला ले लेते हैं, तिहाई हिस्सा, इसके 3 हिस्से करते, 1, 2, 3, तो ये हो गया 1/3, 1/3, 1/3, है ना, 1/3, 1/3, 1/3, कितने हो गए, 3 बार हो गया ना 1/3, 7/3 का मतलब 7 बार होना चाहिए 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, टोटल हो गए 7 बार, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया ना, यानी इतना चारा जो है वो खिलाया है 7/3, और कितनी बकरियों को खिलाया, 7 बकरियों को, तो कितना चारा हर बकरी को खिलाया उसने, तो हर बकरी को इतना हिस्सा ही तो खिलाया उसने, है ना, इतना हिस्सा तो खिलाया, भाग कर दो हम 7 से, तो भाग कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं हर बकरी को उसने 1/3 भाग खिलाया चारा। अब ये आया कैसे, देखिए 7/3 है, भाग में 7 है, यही था ना, 7/3 भाग में 7, अब इसके नीचे 1 लगा लो। अब हमें क्या करना है, भाग को गुणा में बदलना, सिंपल सी बात है, इसको हमें गुणा में बदल देना है, तो 7/1 यानी 7/1 है तो इसका उल्टा कर दीजिए, विलोम विपरीत कर दीजिए,
एक बटा सात हो गया बस, सात एकम सात, सात एकम सात, तो ऊपर क्या बचा एक और नीचे बचा तीन। तो एक बटा तीन उसने प्रत्येक एक बटा तीन भाग हर बकरी को उसने खिलाया। ये पूछा ना क्वेश्चन कि एक बकरी को कितना खिलाया, एक बटा तीन हिस्सा। तो सरल करने का ये तरीका है बच्चों कि भाग को सीधे गुणा में बदल देना है और काम खत्म। अब देखिए प्रश्न एक है, तो क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। नेहा 13/4 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगाई नेहा ने, ठीक है बच्चों। अब दौड़ लगाते समय वह रास्ते वह बराबर बराबर मतलब रास्ते में जो है बराबर अंतराल पे रुकी है चार बार, चार बार मतलब इंक्लूडिंग जो है फाइनल पॉइंट हो गया। तो वह पहली बार कितनी दूरी तय करने के बाद रुकी है, तो चार बार रुकी है ना, बराबर बराबर डिस्टेंस पे रुक रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, 13/4 टोटल डिस्टेंस उसने कवर की है और उसको चार से हम भाग दे देंगे। तो भाग दीजिए, इसके नीचे एक लगाइए, 13/4 अब इसको पलट देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/4। अब 13 को उससे गुणा कीजिए। देखिए हर के हर से अंश के अंश से नहीं काटना, हमेशा ऊपर नीचे काटना है, अंश का हर से या क्रॉस में काटना है। तो अंश को अंश से गुणा कीजिए, 13 एकम 13 और 4 4 16। तो इस तरह से ये इतने किलोमीटर है ना अंतराल के बाद रुकेगी, अंतराल नहीं किलोमीटर क्या लिखा है यहां पे, दूरी तय करने के बाद रुकी, दूरी तय करने के बाद रुकी। तो समझ में आ गया होगा आपको, पहला क्वेश्चन इजी है ना, कि हमने जो है देख लिया कि उसने बराबर बराबर डिस्टेंस पे जो है वो रुकी है। तो पहली बार वो कब रुकी, तो पहली बार यही है कि इतनी दूरी उसने तय कर ली और उसके बाद वो रुकी। चलिए नेक्स्ट टू देखते हैं। भाग करना, आप तो सरल करना है, सीधे सरलीकरण करना है यानी हल करना। आपके पास यहाँ भाग का निशान है 4/7 है, आप पहले 4/7 उतार देंगे। भाग को किसमें बदलना है, गुणा में, और जो ये भाग के बाद रकम है इसको उल्टा कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। 4/-7 हो गया, 7/-7/4 करना, तो 4 ऊपर गया -7 नीचे आ गया, कट रहा है कुछ बताइए। ये देखिए ऊपर नीचे नहीं कट रहा ना, हमें ऊपर से ऊपर नहीं काटना, नीचे से नीचे नहीं काटना, ऊपर से नीचे काटना है। तो ऊपर 4 है लेकिन नीचे तो 7 है, ये तो नहीं कट रहे, तो क्या आ गया 16/-7/49। तो -16/-49 ठीक है, आया समझ में। चलिए अब अगला सवाल क्या है, 6/5 माइनस ये है ना यहाँ पे। भाग को किसमें बदलना है, गुणा में, किसको पलटना है 2/5 को, 2/5 क्या हो जाएगा 5/2। अब क्या ये कट रहा है, देखिए हाँ ये कट रहा है, एक नीचे है एक ऊपर है, 5 एकम 5, ये भी नीचे है, 2 एकम 2 दिया 6, तो ऊपर बचा -3 और नीचे है 1, तो -3/1 -3 ही होता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब यहां पे है, देखिए ये माइनस या माइनस काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां है 1/2, भाग को हम गुणा में बदलेंगे, -2/7 है तो ये पलट जाएगा 7/-2, अभी भी कुछ नहीं कट रहा, देखिए 7 ऊपर है नीचे तो नहीं है, नीचे 2 है ऊपर नहीं है, तो ये सीधे गुणा हो जाएंगे 7 एकम 7 और 2 दुनी 4 और माइनस में। अब सवाल नंबर 5 करते हैं। 1 2 3 4 तो हो गए हमारे, 4 हो गए ना, पांचवी की बारी। 2/3 भाग को किसमें बदलेंगे, गुणा में, अब इसको पलटना है, ध्यान रखना है आपको, 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा 3/2। आयसन में पलट दिया 3/2, तो क्या कुछ कट रहा है, हाँ जी ये देखिए 2 एकम 2 2 एकम 2, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो ये तो 1/1 आ गया, और 1/1 का मतलब होता है 1। आयसन में क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 7/8 है हमारे पास, वो भी माइनस में, फिर भाग है उसको गुणा में बदल देंगे, ये क्या है -4/3 है क्या, एक बार इसको इरेज करें, -4/3 है, तो इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा और माइनस नीचे आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं इस माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 2 माइनस प्लस हो जाते हैं बेटा, और कुछ कट रहा है नहीं, तो सीधे गुणा करेंगे 3 7 21 8 4 32।
अब ये देखिए यहाँ पे जीरो है, जीरो से इसको भाग करेंगे तो सारा जीरो ही आना है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। भाग को गुणा में बदलेंगे ये पलट जाएगा, चार छह बटा चार है, चार बटा छह हो जाएगा। अब जीरो अगर है तो कोई भी संख्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। इजी है, बस यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, भाग के बाद जीरो नहीं, से भाग से पहले जीरो चलेगा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो सारा का सारा जीरो आ जाएगा। इस तरह से जो है हमारी छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है। आशा करती हूँ कि आपको आंसर समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और राइटिंग में समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।